ବାଲାକୋଟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଭାରତ ସୀମା ଉପରକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ, ରାଜୌରୀ, ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର 55ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସୀମାରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଠାର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଚ ଓ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମାଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। तो अंदर मतलब गांव में ज्यादा डर लग रहा है कि क्या करें जी। यहाँ पाकिस्तान एक बहुत भगड़ाहट में है और भगड़ाहट में आकर तो यही है कि जब आदमी भगड़ाहट में ज्यादा होता है तो उसके वक्त भगड़ाहट में आकर तो सब कुछ जो कोई कर रहा है फायरिंग बटनों पर हो रही है। 2-3 घंटे हो गए, बहुत गोले ऊपर से आ रहे हैं। हम छुप के नीचे आए, छोटे बाल बच्चे को इसको भी लेकर आए नीचे। जगह नहीं है कहीं भी छुपने की, क्या क्या करें सर। अभी रोड पे नीचे जा रहे हैं, क्या करें सर, बहुत गोले आ रहे हैं ऊपर से। सर बहुत ज्यादा हालात खराब है, बहुत देरी से फायरिंग चल रही है, अभी तक भी फायरिंग बहुत ज्यादा चल रही है। आदमी छुपे हैं, अभी छुपने की जगह भी नहीं हमारे पास, तो बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। अभी भी फायरिंग चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा फायरिंग आ रही है। भारत एयर स्ट्राइक पर औषध विकल में ताटिया कामुड़ी पाकिस्तान। गोटे पटे सीमार अस्त्रविरति उल्लंघन कर चली पाकिस्तान, सेपटे सोपियान सुरक्षाकर्मी एवं आतंकवादी एनकाउंटर हो ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜୈଶର ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ରାଜୌରୀ ସେକ୍ଟର ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣାଘାଟି ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ମୋର୍ଟାର ମାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଭାରତ ପାକ୍ ସୀମାନ୍ତରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତରେ ମୁତୟନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ସ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ମୋଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ମୋଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ନ ଜଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद समूची इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी है और सीमांत इलाकों में वहां के नागरिक भारतीय सेना और बीएसएफ की हौसला अफजाई करने में जुटे हुए हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार देशभक्ति के नारे इन सीमावर्ती इलाकों में देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। हाथों में तिरंगे लेकर ये जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जिन्होंने कई युद्ध पहले देख चुके हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान से 2-4 हाथ यहां पर करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। इनमें तादाद युवाओं की है, इनमें तादाद बुजुर्गों की है और इस इलाके के लोगों की खासियत यही है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो सेना और बीएसएफ के जवानों का पुरजोर समर्थन करते हैं। महज कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और ऐसी स्थिति में इन ग्रामीणों का ये जोश कहीं न कहीं हमारी जो फोर्सेज है उनका हौसला अफजाई करती है। आप देख सकते हैं इन तमाम लोगों को हाथों में तिरंगे लिए हुए लगातार भारत माता के जयकारे यहाँ पर गूंजे रहे हैं और ये तब से हो रहा है जब से एयर स्ट्राइक की सूचना इन्हें मिली है, जब से इन्हें ये समाचार मिले हैं कि भारत ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और वहाँ पर आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया, आतंकियों को वहाँ पर धूल नेस्ता नाबूद कर दिया। उसके बाद से लगातार देशभक्ति का जोर जो है देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने कई युद्ध देखे हैं पहले भी, अब इस बार एयर स्ट्राइक के बाद कैसा जज्बा है आप लोगों का? हम बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग हैं, सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं और हमारे सीमा जन कल्याण समिति ने इस एरिया में कि राष्ट्र की सीमाएं माता के वस्त्र के समान है और इसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है, इस भाव के साथ
पूरे सीमांतवर्ती क्षेत्र के युवा बुजुर्ग और सब माताएं बहने आज जागरूक हैं और इस सर्जिकल स्ट्राइक से पूरा सीमांत क्षेत्र के हर एक नागरिक आज उत्साहित हैं और देश के साथ हैं और हमारे वीर सैनिकों ने ये कार्य किया है उनको सैल्यूट करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद में आपके मन में क्या विचार आते हैं? आप बॉर्डर इलाके में रहते हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि सेना ने जो स्ट्राइक किया है हम सेना के साथ हैं। मैं एक मुसलमान हूं, एक भारतीय मुसलमान होने पर मुझे फख्र है और हम सेना के साथ में हैं और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और जो सेना ने जवाब दिया है उससे हमें बहुत खुशी है। हमारी हर तरफ से बधाइयां बधाइयां मिल रही हैं और बहुत खुशी है। बधाइयों का दौर जारी है, मिठाइयों का दौर जारी है। बॉर्डर इलाके में लगातार भारतीय जो नागरिक हैं वो हमारी फोर्सेज की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सुरेंद्र जी आप बताएं क्या लगता है इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जो धमकी दी है कि वो भी अब जवाबी कार्रवाई करेगा, क्या लगता है आप लोगों का जोश कैसा है? हाउस द जोश? हमारा जोश बहुत खूब है। हम इस जोश के नाते हमारा फ्रेंडली रिश्ता है। अभी कोई भी अगर कोई ऐसा कदम उठाएगा तो हम उनके सेना के साथ हैं और बीएसएफ के साथ हैं। सेना के साथ इनका फ्रेंडली रिश्ता है। इन दिनों एक्टिविटीज जो चल रही है आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? हम सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सेना के एक पारिवारिक रिश्ता बना के रखते हैं और हमारी इस क्षेत्र के अंदर एक हर युवा के साथ जोश है कि हम सेना को बिल्कुल कंधे से कंधा परिस्थिति में सेना का सहयोग करने के लिए तमाम लोग तैयार हैं। और बॉर्डर इलाके में जिस तरह से जो जज्बा देखा जा रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ इसलिए है कि बीएसएफ के जवान, सेना के जवान जब इस इलाके में आते हैं तो यहाँ के नागरिक उनका स्वागत करते हैं। भारत माता के जयकारे लगाने के बाद उन सेना के जवानों का हौसला जो है वो देखने के लायक होता है। यहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर जो पाकिस्तान की हरकत या एक्टिविटीज जो होती है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत माता के जयकारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के जयकारे काफी हैं। आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत इस इलाके में करता है तो यहाँ के नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर हमारी फोर्सेज का साथ देंगे। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज 18 बीकानेर। जहाँ वर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी पहुंचुची, पाक विमान खसाइला भारत। पाक युद्ध विमान F-16 को खसाइला भारत, नौसेरा सेक्टर में खसाई भारत। ए संपर्क में संवाद सरबराह संस्था ANI सूत्रों जहाँ जमापड़ी जे नौसेरा सेक्टर में खसाई पाक F-16 को विमान को खसाई भारत। एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी पहुंचुची जो भाव में पाक विमान खसाई भारत। पाक युद्ध विमान F-16 को खसाइला भारत, नौसेरा सेक्टर में F-16 विमान को खसाई भारत। जहाँ एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी पहुंचुची संवाद सरबराह संस्था ANI सूत्र जमापड़ी जे पाक विमान को खसाई भारत। जो भाव वर्तमान पुलवामा घटना पर एक प्रकार परिस्थिति संगीन अवस्था कहीपर जो भाव में वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 पर वर्तमान औषध विकल्प ताटिया कामुड़ी पाकिस्तान एवं बारंबार एक गोटे पटे अस्त्रविरति उल्लंघन कर समय अंपटे भारत सीमा भितर को प्रवेश करने को चेष्टा कर पाकिस्तान सेना। एवं जहाँ वर्तमान खबर आसूँ बड़ खबर आसी पहुँचुची जे पाक एक विमान को खसाई भारत, भारतीय जवान मैंने पाक विमान को खसवे सफल होती। संवाद सरबराह संस्था ANI सूत्र जहाँ जमापड़ी जे पाक युद्ध विमान F-16 को भारत खसाइबार सक्षम हो नौसेरा सेक्टर में F-16 विमान को खसाई भारत।